पूरा देश जानता है कि दिल्ली के ऊपर जो काला अध्यादेश थोपा गया है वो लोकतंत्र के मुंह पे एक तमाचा है, संविधान के मुंह पे तमाचा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी पिछले महीने उसके भी मुंह पे एक तमाचा है। इतना ही नहीं, अगर इस काले अध्यादेश को संसद में पास करने में अगर हम असफल रहे तो कल को ये किसी भी राज्य सरकार पे थोपा जा सकता है, उसकी चुनी हुई सरकारों से ताकतें छीनी जा सकती है। इसीलिए आज जो पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक रही वो अहम थी। कई मुद्दे उसमें डिस्कस हुए और अध्यादेश का मुद्दा भी डिस्कस हुआ। इन 15 दलों में से 12 ऐसे दल हैं जिनके राज्यसभा में सांसद हैं, और इन 12 दलों में से 11 दल एक सुर में आज उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश, इस काले अध्यादेश का हम विरोध करेंगे राज्यसभा में। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी इस मैटर पे चुप्पी बनाई रखी। इतना ही नहीं, आज आम आदमी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल थे सारों ने कांग्रेस को समझाने की काफी कोशिश करी कि काला अध्यादेश जो दिल्ली का है वो एक बेहद खतरनाक अध्यादेश है और इस पे आपको अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए। फिर भी कांग्रेस चुप रहा। उसी तरफ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पंजाब और दिल्ली में, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, इस मुद्दे पे तो हम मोदी सरकार का साथ देंगे। पिछले कुछ दिनों में हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात चल रही है कि जब ये अध्यादेश राज्यसभा में लाया जाएगा तो कांग्रेस वॉकआउट कर लेगी, एब्सटेन कर लेगी, ताकि बीजेपी ये अध्यादेश को पास कर सके। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और समय आ गया है कि कांग्रेस को अब चुनना होगा कि क्या वो मोदी सरकार के इस काले अध्यादेश के साथ खड़ी है या फिर ये दिल्ली की जनता और पूरे विपक्ष के साथ खड़ी है। और अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना पक्ष साफ नहीं करता तो आम आदमी पार्टी को, अगर विपक्ष की कोई भी ऐसी बैठक होती है आने वाले दिनों में या कोई भी गठबंधन बनता है जिसमें कांग्रेस हिस्सेदार है, तो उसमें आम आदमी पार्टी का शामिल होना मुश्किल हो जाएगा।